नमस्कार, TV29 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि श्रीवास्तव। सूरत के कोचिंग सेंटर में आग लगने से गई जानों का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था। किसी बीच एक और आग लगने की खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। घटना करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार के 4.5 पुश्ता के सागर मार्केट की है, जहां पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से फल फूल रही कबाड़ी मार्केट में इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड नाम से चल रहे स्क्रैप गोदाम में, जहां लकड़ी और लोहे का काम होता है, उसी के साथ में एक और लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल यह गोदाम पीर मोहम्मद नाम का व्यक्ति चलाता है। बताया जा रहा है कि रात में वेल्डिंग का काम गोदाम के अंदर चल रहा था, तभी वेल्डिंग से निकली चिंगारी से गोदाम में रखी लकड़ियों में आग लग गई, जिससे हजार गज में बने गोदाम को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त गोदाम में लगभग 10 मजदूर सो रहे थे। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम से सटे घर भी उसकी चपेट में आ गए और घरों के दरवाजे, मीटर, लाइट और पानी की टंकियां भी जलकर खाक हो गए। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, इसके साथ ही पुलिस और दमकल को भी सूचित किया, जिसके बाद मौके पर 15 से 17 दमकल की गाड़ियां पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस का रवैया पीड़ितों के प्रति ठीक नहीं था। गोदाम के मालिकों की मनमानी का आलम यह है कि वहां के एक दूसरे गोदाम के मालिक गिरीश गुजराल उर्फ बॉबी गुजराल के एक और लकड़ी के कई गोदाम इस रेसिडेंशियल इलाके में मौजूद हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आखिर कब तक अवैध रूप से चल रहे ऐसे अपराधों को लेकर प्रशासन अपना रवैया नहीं बदलेगा और पीड़ितों को न्याय कब और कैसे मिलेगा? उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक आग पूरी फैल चुकी थी। इसमें किन किन लोगों को नुकसान हुआ है? इसमें मेरा हुआ है जी, ये मेरा मकान है सामने, हमारा जो है दरवाजा जल गया, चौकट जल गया, हमारी बिजली की का मीटर जो है वो पिघल गया सारी। कोई अधिकारी पहुंचा मौके पे? नहीं सर, कोई अधिकारी, कुछ पुलिस के लोग जरूर आए थे, पहले वो भी बल्कि आए क्या, हमने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने हमारे को दबाने की कोशिश किया, डांटना शुरू कर दिया। महिलाएं बोली, उनके साथ उनके व्यवहार ऐसे थे जैसे वो अभद्र व्यवहार थे उनके, और हमने कहा कि भाई हमारा जो है नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आप थाने आइए, थाने गए, थाने में भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, उन्होंने हमारे FIR तक दर्ज नहीं किए अभी तक। हमने कहा हमारा FIR तो दर्ज कर लो, बोला जी SHO साहब नहीं है, SHO साहब आएंगे उसके बाद आप आ जाना, फिर उनसे बात कर लेना। आपके साथ पत्नी जी किए क्या? जी सर, पहले तो मेरे पति के साथ बदतमीजी करने लगा, वो मारने पर दौड़ उठा था, तो मैंने अपने पति को पीछे करके उनको साइड कर दिए। कौन कर रहा था? पुलिस वाले। अच्छा, क्या 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 बोला आपके पति? ये खड़े थे ना तो बोला कि अब जाओ यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाओ। ये बोल कि सर हमारे नुकसान हुआ है, हम कहाँ जाए, कि इसी पर इनके साथ बदतमीजी करने लगा, हाथ उठाने लगा। फिर मैं आगे जाके इनको पीछे करके वो उसे उनको सुसाइड कर दिया। उसके बाद गाड़ी वो दूसरे गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था, मैंने गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गई तो गाड़ी को चालू कर दिया, तो मैंने बोला कि ठीक है चलाओगे ना, ले जाओ ले जाओ, लेकिन मैं हाथ नहीं रहा। फिर वही पुलिस वाले फिर दोबारा आया, कह रहे क्या कर रही हो, मरोगी, जा मर जा, ऐसे बोला बदतमीजी से। क्या नाम था पुलिस वाले का, देखा आपने? नहीं, वो नाम भैया। आपने भी देखा है? कौन सा घर है आपका? हमारा ही है। आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ? बिजली का तार जला है, मीटर जल गया है, और जब हम उठे तो आग लग चुकी थी, तो हम आग बुझाने की कोशिश की, बिजली वाले को फ़ोन किया, बिजली वाला फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम खुद जाके सनी बाज़ार में मेन ग्रिड को डाउन किया। उसके बाद जब यहाँ वो मकान ये जो जिसका ये फैक्ट्री चल रहा था वो जब आ गया, तो हम लोग उससे जाके सिर्फ ये कहें कि भाई हम आप तो यहाँ लाखों कमाते हो, अपना फैक्ट्री लगा रखे हो, आप गीता कॉलोनी में रहते हो, आपको पता चला है तो आए हो। किस नाम से थी फैक्ट्री, किस नाम से? मोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, मालिक कौन है? इंटीरियर मालिक को जानते हैं? हाँ, गिरीश गुजराल है। अच्छा, बॉबी गुजराल। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, आप यहाँ लाखों कमाते हो और रात में ऐसे खुला छोड़ के आप चले गए, आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, जो इस आग से जो हम लोगों का नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा, आप तो इंश्योरेंस से कवर कर लोगे, हम लोगों का नुकसान कवर कौन करेगा? उस पर उसका लड़का थोड़ा सा कहने का मतलब ये बात किया, तो मैंने उसे डांटा तो कहने मतलब पुलिस वाले बीच में आए और उसको जो है गाड़ी जिप्सी में बैठाया और जिप्सी स्टार्ट करके वो जाने लगे, तो मैंने गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, मैं कहा भाई
पहले यहाँ बात कर लो, मैं कहा उसके बाद जाना। इतने में वो हमको हमारा और पुलिस वाले को बुला लिए, तब तक हम लोग खड़े रहे। जब और पुलिस वाले आए तो लाठी डंडा लेके आए और मुझे जो है ज़बरदस्ती घसीट के गाड़ी में बैठाना, गाड़ी में बैठ। फिर मैं थाने गया, अभी उसको लेके गया थाने। गया थाने में क्या क्या बात हुई? थाने में भी वो कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कहने का मतलब उसको तो सिर्फ कमरे में बैठा लिया, हम लोग उनको बाहर बैठाए। उसके बाद ये करके वो किया, कह रहे हैं जैसे साहब अभी है नहीं। हम लोग कहा भाई हमारा कंप्लेन दिया है, वो बिजली वाला आया था, उसने बोला आप लोगों के केबल चेंज करने हैं तो आप एक थाने से कंप्लेन जो बन पड़ा, जो समझ में आया एक बार दिखाइए, इधर दिखाइए। ये कंप्लेन मैंने लिख के वहाँ ड्यूटी ऑफिसर से साइन करवाया, ठीक है, ड्यूटी ऑफिसर ने साइन कर दिया। लेकिन जब उनसे हमने जो हमारा बिकअप यहाँ जो आया था, लेकिन उसके खिलाफ उसको जब नहीं हुआ की बात की तो कहता है नहीं, अभी से खिलाफ उसके बाद आके मिल जाए। आपका कौन सा घर है? ये मकान है, ये मकान है, पाइप टंकी सब हमारी पिघल गई, साइड दीवार की सारी। आपका क्या नुकसान हुआ? पाइप इसमें जो है सारा जल गया है, टंकी जल गया, अंदर की वायरिंग सारी जल गई, कोना भी फट गया है, कोना भी फट गया हमारा उस साइड दीवार, कोना फट गया साइड, आग ऊपर लगी हुई थी, ऊपर तक पहुंची हुई थी। हम जबरदस्ती हम भाई बहन जब भी पहुंचे यहां पे तो हमने पूरी कोशिश की आग बुझाने की। मेन हमारा मतलब हमारी फायर ब्रिगेड ने हमारी हेल्प नहीं करी है, मालिक के साथ में सिर्फ उन्हीं की मदद, हमारी कोई हेल्प नहीं। हमारे समर की तरह हम कहते हैं, अगर समर अगर हमारा समर नहीं होता तो हम कई लोग मर जाते हैं। लोग जाते हैं, इनकी बात सुन ले, हम थाने पे गए थे, जो जिसके हाथ में केस है जिसके वाले के उनका नाम है मीना, ठीक है। उन्होंने ये कहते हैं हमें कि इनका जो दोस्त है वो डीसीपी है, ठीक है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जैसा बात बन रहा है उसे बना लो, आपका सुनवाई आगे कुछ नहीं होना। ये मीना क्या नाम है पूरा उनका? उनका मीना मीना है, मीना नाम है, आपके आगे कुछ और लिखते हैं, उतना पूरा नहीं पढ़ पाया था। सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर मीना है, स्टार लगा हुआ एक, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है, इनका डीसीपी दोस्त। अभी तक आग जल रही है, अभी तक आग जल रही है, जाल आप इधर को भी देखो, आप एक बार इधर कैमरा लगाओ सर, सर ये धुआं धुआं एक चीज और सुन लीजिए, इनकी एक मिनट, इनकी अदर और फैक्ट्रियां हैं पल पीछे, और 11 फैक्ट्रियों का जिक्र करवाई सोनिया बिहार के अंदर, इसी मोहल्ले के अंदर 3-4 फैक्ट्रियां अदर और है, ये फैक्ट्री अगर वहां भी यही घटना होती है तो यहां तो सर वाता खुला था, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही इलाकों में है कि जहां जानमाल का नुकसान हो सकता है, ठीक है, अधिकारियों से भी ठीक है, और हमारी पुलिस सुनवाई नहीं हो रही है, 13 नंबर के लिए सरकार वाले हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है।